बहुत शोर कर रहा कूलर तो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि कुछ स्केच ऑन डिमांड्स मेरी चल रही हैं, जिनमें से कुछ A4 पे थी, कुछ A3 पे थी। तो अभी रिसेंटली जो A4 पे मेरी कंप्लीट हुई है, मैंने उसकी स्केच मेकिंग वीडियो पोस्ट करी थी चैनल पे, एंड उसी स्केच की मैंने एक तीन अलग अलग वीडियो भी पोस्ट करी थी, जिसके अंदर मैंने टाइमलेस में ये दिखाया था कि अगर आपको बालों की डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट करनी है तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं, और अगर आपको बालों की लाइट वैल्यूज़ ऑप्ट करनी है तो कैसे कर सकते हैं, एंड स्किन टेक्सचर की लाइट वैल्यूज़ अगर आपको ऑप्ट करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अभी आज के इस वीडियो में मैं आपको वो स्केच दिखा भी दूंगा, एंड जो मैंने प्रीवियस तीन वीडियोस में दिखाया है उनके ऊपर थोड़ा सा मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो चलिए स्केच देख लेते हैं। तो ये है हमारे स्केच जो मैंने कल ही पोस्ट करी थी, एंड इसी स्केच की मैंने तीन अलग अलग वीडियोस पोस्ट करी थी। पहली वीडियो में मैंने ये दिखाया था कि कैसे आप डार्क वैल्यूज ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर कहीं पे इतनी ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ होती हैं तो आपको सिंपली, अगर आपके पास चारकोल पेंसिल है तो आपको चारकोल पेंसिल से बस इस एरिया को फिल करना है एंड उसको ब्लेंड करना है, एंड जहाँ जहाँ अगर आपको हाइलाइट्स लगें तो वहाँ वहाँ आपको अपने इरेज़र से, चाहे वो मोनोज़ीरो हो या आपकी सिंपल इरेज़र हो, आप उनसे हाइलाइट्स दे सकते हैं। और अगर फिल करने के बाद भी आपको उस जगह हर लाइट लगे तो आप दोबारा चारकोल की लेयर उसके ऊपर फिल कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहली लेयर फिल करी थी। और अगर आपके पास कार्बन पेंसिल है तो आप कार्बन पेंसिल से भी उसको फिल कर सकते हैं। तो इस पोर्शन के लिए एंड यहाँ के थोड़े बहुत पोर्शन के लिए मैंने यही टेक्निक यूज़ करी थी। और जो हल्के हल्के बाल निकले हुए हैं, जिससे थोड़ी सी मतलब नेचुरल, मतलब रियल लगे स्केच, तो उसके लिए आप बस किसी भी चारकोल पेंसिल से या ग्रेफाइट पेंसिल से सिंपली वो बाल ड्रॉ कर सकते हैं हल्के हल्के, सो डैट थोड़ी सी जो है स्केच रियल लगे। तो पहली वीडियो मैंने ये दिखाया था। जो दूसरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने लाइट वैल्यूज़ कवर करी थी, तो इतने यहाँ के जितने बाल थे तो मैंने बैकग्राउंड पहले से ही दे दिया था थोड़ा सा डार्क, सो डैट मैं यहाँ पे जो बाल निकले हुए हैं वो दिखा सकूँ। तो मैंने सिंपली हल्के हल्के बस ब्रश से यहाँ पे हल्का सा इंप्रेशन दिया था, और उसके बाद मैंने जो मोनोज़ीरो इरेज़र है उससे मैंने जितने भी बालों के हाइलाइट्स थे वो निकाले थे, और जहाँ जहाँ पे यहाँ पे डार्क थोड़ा सा करना था तो वहाँ मैंने अपनी चारकोल पेंसिल से ये डार्क एरिया हल्का सा कवर करके उसके ऊपर मोनोज़ीरो से अपने हाइलाइट्स निकाले थे यहाँ के और यहाँ के। जो तीसरा पार्ट था वो स्किन टेक्सचर का था। तो स्किन टेक्सचर में मैंने पूरे फेस के लिए सिंपल टिश्यू से ब्लेंड करता गया, और जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही थी वहाँ पे मैंने ना ब्लेंड किया ना पेंसिल का इस्तेमाल किया, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। तो इस फ्रंट पे बिल्कुल लाइट पड़ रही थी तो इस जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी ना ब्लेंड किया ना ही मैंने चारकोल का इस्तेमाल किया। स्किन टेक्सचर के लिए मैंने हल्का हल्का चारों तरफ बस ब्लेंड किया है, और बाकी जो सिंपल टेक्निक होती है सारी चीज़ें ड्रॉ करने की वो मैंने उसी तरीके से ड्रॉ करी हैं। तो इनकी जो कंप्लीट वीडियोस हैं, वो तीन वीडियोस हैं, वो मैंने चैनल पे पोस्ट कर रखी हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर आपको प्रैक्टिकली दिख भी जाएगा। और इस स्केच की स्केच मेकिंग वीडियो मैंने कल ही पोस्ट करी है कंप्लीट, तो आप वो भी देखेंगे तो शायद से आपको उससे भी एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो ये थी हमारी चारकोल एंड कार्बन की ब्रशरो शीट के ऊपर A4 साइज़ की स्केच, एंड इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ग्रेफाइट भी यूज़ किया था। एंड जैसे कि मैंने बताया कि इसकी टोटल चार वीडियोस मैंने बनाई, तीन वीडियोस में मैंने अलग अलग पार्ट्स में ये थोड़ा सा दिखाया कि आप लोगों को अगर लाइट वैल्यूज ऑप्ट करनी है या डार्क वैल्यूज ऑप्ट करनी है या स्किन टेक्सचर लाइट ऑप्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। एंड जो चौथी वीडियो है वो कंप्लीट स्केच मेकिंग वीडियो है, तो मैं इन चारों वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, अगर आप लोगों को देखनी है तो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू स्केच के साथ, चाहे वो A4 हो या वो A3। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पसीना एकदम चमक रहा है, तो मैं कूलर चला लूँ फिर मैं आप लोगों को बात बताता हूँ।
लोग हैं।